अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ CS302 पी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1, जो कि समर सेमेस्टर 2024 की है, उसके साथ आया हूँ, जिसकी डेडलाइन जो है, ड्यू डेट है वो 30 अगस्त है और मार्क्स इसके 20 हैं। आज मैं आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई और असाइनमेंट बनवानी हो या पेड सोल्यूशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता करके असाइनमेंट अपनी बनवा सकते हैं। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट में क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि ये डॉक फाइल यानी वर्ड की फाइल में आपने सबमिट करवानी है, कोई PDF या जिप फाइल या इमेज फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आप देख लें कि इसमें टॉपिक नंबर Lab 1 से 4 तक कवर किया गया है, जिसके अंदर आपको ये सारा कुछ पढ़ाया गया, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, उसको इस्तेमाल और उसमें लॉजिक कन्वर्जन कैसे करते हैं वो उसमें आपको सारी बताई गई है। उसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपके असाइनमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपके कोई क्वेरी है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी के इस सब्जेक्ट के, तो आप ये ईमेल एड्रेस मैंशन है CS302P@VU.edu.pk, आप इस पर ईमेल करके अपने टीचर से रब्ता करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई इशू या कोई क्वेरी है इस असाइनमेंट के रिगार्डिंग। अच्छा, आए अब हम देख लेते हैं कि सवाल क्या है। सवाल उसने कहा है कि बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया है, ये बूलियन एक्सप्रेशन आपको दिया है, इसको बूलियन एक्सप्रेशन को लॉजिक कन्वर्टर वर्क बेंच में हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को यूज़ करके, और उसके बाद सबमिट द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन एज वेल एज नैंड बेस सिंप्लीफाई सर्किट। उसका नैंड बेस जो है ना सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम भी बनानी है यूजिंग वर्क बेंच के थ्रू। अब उसने नीचे स्क्रीनशॉट के बारे में कहा है कि आपने स्क्रीनशॉट में दोनों चीज़ें आपके शो हो रही हो, सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन भी आपका शो हो रहा हो और डायग्राम भी शो हो रही हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच है, पहले तो आपको वो चाहिए, उसके बगैर आप असाइनमेंट नहीं बना सकते। आपने गूगल पे ला जाके इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच टाइप करना है, ये पहला ही लिंक आपके पास आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसको जाके आप डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज पे ले जाएगा दूसरे पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सिंपल इंस्टॉल करने के बाद इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने वर्ड की फाइल में लिख लेना है, लाइक मैंने ये वर्ड की फाइल में इस बूलियन एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया। अगर कोई मिस्टेक हो इसमें तो आप उसको करेक्ट अपने पास कर लीजिएगा, वैसे तो मैंने तो एज इट इज़ इसको कॉपी किया, एज इट इज़ इसको वर्ड के अंदर कर लिया, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉपी नहीं होता वर्क बेंच के अंदर। ठीक है, अब हम मैं चाहता हूँ जहाँ पर मैंने ये वर्क बेंच इंस्टॉल किया, ये ऐसे इंस्टॉल होगा आपके पास ये आइकन है इसका, इस आइकन पर क्लिक करेंगे, अब ये वर्क बेंच ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्पेस है, ऊपर टूल्स आ रहे हैं और नीचे आपके पास स्पेस है जहाँ पर आपने वो सारा काम करना है। इस टूल के ऊपर आना है आपने, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये सबसे एंड पर है लॉजिक कन्वर्टर, इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ आपने रख देना। ठीक है, उसके बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ये आपका लॉजिक कन्वर्टर ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पर वो जो आपने वहाँ से आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले इसका ट्रुथ टेबल बनाना होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ट्रुथ टेबल बन जाएगा, ये ए बी का एरो जो जा रहा है ना, ये ट्रुथ टेबल बन जाएगा। इसके बाद इससे ऊपर वाली ऑप्शन है सिंप्लीफाइड, ए बी सिंप्लीफाइड ट्रुथ टेबल से अब सिंप्लीफाइड की तरफ ले जाओ। अब ये जो टर्म आ गई है, ये बेसिकली आपकी मैं वर्ड में पेस्ट कर देता हूँ, ये सिंप्लीफाइड टर्म है। ठीक है, ये आपने वर्ड फाइल के अंदर उसके साथ लगा लें, लिख लें या ना लिखें, ये अब आप दोनों तरह ऑप्शन में ठीक है, आपका बेसिकली स्क्रीनशॉट लगना है। अब वो स्क्रीनशॉट कैसे लगेगा वो अब आप आखिरी चीज़ नोट कीजिएगा, नीचे लिखा आप ए बी जो सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन है उससे नैंड गेट में, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें नैंड गेट अब आपका ड्रा हो चुका है। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल होता है कि VU ID इसके अंदर लिखनी लाजमी है, कुछ असाइनमेंट में जो है वो इसको
जो है वो कनेक्ट करते हैं, पहले प्रीवियस जो असाइनमेंट आती नहीं है उसमें ये बार्स को हम जो इनपुट होते थे उनको कनेक्ट कर देते थे। कनेक्ट कर देंगे तो तब भी ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो ऑलरेडी आपका आ चुका हुआ है। अगर आप कनेक्ट नहीं भी करेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटते इसके, ठीक है। बाजू का टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो काटता है या नहीं। अब इसके ऊपर एंड इन दी एंड आपने इस पर राइट क्लिक करके कंपोनेंट प्रॉपर्टी पर जाएं और यहाँ पर आप अपनी आईडी लिख दें ताकि आपको कोई मसला इशू वगैरह ना आए वो एक्सेप्ट हो जाए। अब आपने इसको स्नाइपर टूल के थ्रू, अब ये सारा आपका बेसिकली सोल्यूशन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका हुआ है। आप जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, विंडो शिफ्ट एस प्रेस कर लें या स्नाइपिंग टूल यूज़ कर सकते हैं वो कर लें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने वर्ड के अंदर अपने पेस्ट करके वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट कर देना इसको। ये आपका सोल्यूशन यहाँ पर इस असाइनमेंट का कंप्लीट हो गया। आपको इसके अलावा कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट चाहिए जिसके अंदर आपका सारा कुछ शो हो रहा है। अगर आप उसको बूलियन सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन को शो करवाना चाहते हैं तो वो आप शो करवा दें, यानी लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें, लेकिन शो ज़रूर होना चाहिए आपके वर्क बेंच के अंदर। ये देखें नीचे यहाँ पर ये शो हो रहा है और ये आपकी सार डाइग्राम है, इसके अलावा और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये हमारी असाइनमेंट हो गई। अगर आपको इसका पेड सोल्यूशन चाहिए अगर तो आप देख के बना सकते हैं, वो देख के आप जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया उस प्रोसेस से आप बना लें। अगर आप वो देख के नहीं बना सकते तो आप के पास वर्क बेंच नहीं है, आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, आपके पास नहीं इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मुझसे रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। ये बनवानी है या कोई और सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो पेड सोल्यूशन होगा, उस चीज़ को लाजमी याद रखिए। और दूसरी चीज़, व्हाट्सएप पे कई लोग आके मुझसे फ़ाइल मांगते हैं, प्लीज़ फ़ाइल ना मांगा करें, वो आपको फिर आपके लिए भी समटाइम नुकसानदेह होता है। अगर मैं आपको एज इट इज़ आपको फ़ाइल दे दूँ और आपके 0 मार्क्स लग जाएँ तो फिर वो मैं इस तरह नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं होती, इसलिए आप मुझसे फ़ाइल का प्लीज़ रिक्वेस्ट ना कीजिएगा। आपको पेड सोल्यूशन बनवाना है तो आप आके रब्ता कर लें, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस बता दिया करूँगा और आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें और अच्छे तरीके से पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।